में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। राजे ने लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में यह बैठक हुई और वसुंधरा राजे ने कहा कि अंता क्षेत्र मेरे लिए परिवार की तरह है, हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन कार्यकर्ताओं के अपार जन समर्थन से ऐसा लगता है कि पांचवी बार सभी के सहयोग से 5 लाख पार का हमारा लक्ष्य जरूर पूरा होगा। वसुंधरा राजे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 51 किलो का हार पहनाकर वसुंधरा राजे का स्वागत किया। इस दौरान विधायक कमरलाल मीणा, बीजेपी जिला अध्यक्ष नंदलाल सुमन, बीजेपी नगर अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल मौजूद रहे। क्या हाल है सर? प्रभारी जनता वेदी कृपा मंच पर बता रहे हैं, हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष रामेश्वर जी खंडेलवाल, चंद्रशेखर जी बोरा और ग्रामीण मंडल के राहुल जी आप जीत रहे हैं। एक वोट नहीं किया तो क्या होगा? उसका असर आज आप लोगों ने मुझे देख लिया है। आज की जो वोटिंग परसेंटेज है राजस्थान के अंदर, वो इस गर्मी की वजह से, और लोगों ने सोचा अरे अपन तो जीत रहे हैं, अपना वोट नहीं गया तो क्या प्रॉब्लम, वो आपने देख लिया। ये भाई साहब 5 साल बाद का मामला है, गर्मी तो है पर जो साहबे में भी जा रहे हैं अपन, गर्मी है। आप ये मानिए कि 5 साल में एक दफा अपन सावा कर देंगे, इस दावे के अंदर अब आप सबको अपना मान के जाना है क्योंकि ये अपना है। आप देखिए कि 51 किलो का हार पहनाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे का स्वागत किया है। वसुंधरा राजे ने कहा कि अंता क्षेत्र मेरे लिए परिवार की तरह है, हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन कार्यकर्ताओं का अपार जन समर्थन अगर हमें मिलता है तो निश्चित तौर पर पांचवी बार सभी के सहयोग से 5 लाख पार का हमारा लक्ष्य जरूर पूरा होगा। यहाँ पर वसुंधरा राजे को सुनने के लिए खास तौर पर महिलाओं की मौजूदगी सबसे ज्यादा थी। इसी के साथ बुजुर्गों के साथ उन्होंने संवाद किया और अपने क्षेत्र में जिस तरह से वसुंधरा राजे को सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा वो दर्शाता है कि यहाँ पर लगातार क्यों 5 बार जीत होती आई है भारतीय जनता पार्टी की। आप देखिए कि 51 किलो का हार पहनाकर उनका स्वागत किया गया और वसुंधरा राजे ने जब संबोधित करना शुरू किया तो उसके बाद जिसे कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ ऐसी स्थिति वहां पर थी। और देखिए वहां पर मौजूद लोगों के साथ वसुंधरा राजे ने जिस तरह से संवाद किया वो काफ़ी जैसे इमोशनल बॉन्ड कहा जाता है, जैसे ग्राउंड कनेक्ट कहा जाता है, वो इन तस्वीरों में देखने को मिला।